मध्य प्रदेश के इंदौर में एनसीसी की एक एमपी गर्ल्स बटालियन का वार्षिक प्रशिक्षण शिविर महू में संपन्न हुआ। इस अवसर पर बतौर स्पीकर अधिवक्ता अनुज दीक्षित को आमंत्रित किया गया। उन्होंने लड़कियों से जुड़े महत्वपूर्ण कानून व उससे जुड़ी विशेष धाराओं के बारे में सभी कैंडिडेट्स को बताया। तनुज ने कहा कि कैटफिशर से युवतियां सावधान रहें। उन्होंने बताया कि कैटफिशिंग का अर्थ होता है कोई नकली प्रोफाइल बनाकर आपसे दोस्ती करता है और फिर ऑनलाइन फ्रॉड कर अपनी भावनाओं को द्रवित कर देता है। इस लीगल सेमिनार का उद्देश्य लड़कियों को उनके हक के जरूरी कानून के बारे में बताना, साथ ही साथ उन्हें अभिरक्षा एवं अधिकारों के लिए सजग करना था। इस कार्यक्रम में 500 से ज्यादा फीमेल कैंडिडेट्स ने भाग लिया। यह पहला मौका था जब एनसीसी के किसी वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में पहली बार वकील द्वारा कानूनी उद्बोधन दिया गया हो। दीक्षित ने सेमिनार में साइबर लॉ से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें व ब्लैकमेल होने से कैसे बचे जैसे विषयों पर भी चर्चा की। एडवोकेट तनुज दीक्षित से टॉक के दौरान कैंडिडेट्स ने सवाल भी पूछे और कानूनी जानकारी हासिल की। यह बता दें कि तनुज दीक्षित अधिवक्ता के साथ एनसीसी समूह मुख्यालय की आंतरिक शिकायत समिति के सदस्य भी हैं। कार्यक्रम का आयोजन कर्नल समीर चौधरी व उनकी टीम द्वारा किया गया।